डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमीजीनेट प्रो पे। दोस्तों हमने एक मिशन चलाया हुआ है कि आपके अंदर डीआई का डर खत्म करना है और इसके लिए हमने पहले काफी वीडियोस बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले आप हमारी वो वीडियोस देखिए और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप हमारी वो वीडियोस देख लेते तो आपके अंदर डीआई का डर बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। दोस्तों हमारे अंदर एक हवा बना हुआ है कि जब भी हम डीआई के क्वेश्चन देखते तो हमें ऐसा लगता कि यार ये क्वेश्चन तो हम नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी टेबल होती है, इनकी कैलकुलेशन कैसे करें समझ में नहीं आता और इस डर से हम उन क्वेश्चन को छोड़ देते, हम कर ही नहीं पाते। लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप हमारी वीडियोज देखते हैं और उनके अनुसार काम करते हैं तो बिल्कुल इजीली आप डीआई के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारी वो वीडियोस देखिए, अगर आपने वो वीडियोस देख ली है तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर 5 नवंबर 2020 शिफ्ट एक में जो क्वेश्चन आए वो मैं आपको करवा के दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से बिल्कुल ईजिली हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज भी दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन पेपर आप सभी को पता है अभी रिसेंटली हुआ है तो इसमें हमारा कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है डीआई का और भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं डीआई के 2020 में जो आए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। लेकिन आज हम 5 नवंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए वो हम करके देखने वाले, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। और एक चीज और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दोस्त अपनी अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि आज आपकी डिजिटल कुटाई भी होने वाली है। हम आपसे क्वेश्चन भी करवा के देखेंगे, प्लस में मैं आपको बताऊंगा भी अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा अच्छे से डिटेल में। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, जल्दी से वीडियो रोक लीजिए यहीं पे और जल्दी से कॉपी पेन लेके आइए और बैठिए हमारे साथ। अगर आपको जेआरएफ लेना है तो आगे बात समझ में, जेआरएफ लेना तो कॉपी पेन लेनी पड़ेगी। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेंगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जी कॉपी पेन से जेआरएफ मिलेगा, ठीक है जी। चलिए ले आए हैं तो चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर एक करते हैं और ये 5 नवंबर 2020 शिफ्ट एक में आया है। सबसे पहले दोस्तों डीआई के अंदर हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है कि उस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी है, जो टेबल दी है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें क्या दिया है उस सभी आंकड़ों को समझना जरूरी है। तो इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है और इसमें मैं पहले ये जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है जी। 100 पे करेंगे तो क्या होगा? हाँ जी चलिए 100 पे कर लिया जी। इसके अंदर क्या दिया हुआ है हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे हॉस्पिटल दिया है, हॉस्पिटल ए बी सी डी, और यहाँ पे ये जो 100 है ना, 150 ये है टोटल नंबर ऑफ बेड है। ये हॉस्पिटल ए में कितने बेड है, 100 है, बी में कितने है, 50 है, सी में कितने हैं, हमारे पास 100 है, डी में कितने हैं, हमारे पास फिर 50 है। तो इस तरह से इन्होंने सभी बेड दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिजीज की बात करते हैं, कौन कौन सी बीमारी है और उन बीमारियों से रिलेटेड कौन कौन कितने कितने बेड भरे हुए हैं हमारे। तो बीमारी एक वायरल डिजीज के अंदर कितने, 30 लोग हैं, और हार्ट के कितने, 35 है, किडनी के कितने, 15 है, लीवर के कितने, हमारे पास 10 मरीज है, इतने बेड भरे हुए हैं अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, वेरी गुड, शाबाश। चलिए इसी के बेस पे हमारा एक क्वेश्चन है और आप सभी दोस्तों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से आप सभी को आंसर बताना है। सबसे पहले हम इसको जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच डिजीज ऑक्यूपाई हाइएस्ट नंबर ऑफ बेड इन ऑल द हॉस्पिटल, कौन सी डिजीज के सबसे ज्यादा मरीज है हमारे हॉस्पिटल में,
कौन सी डिजीज के, ये हमें बताना है। तो इसके अंदर ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, चार ही तो है ये, और चार ही ऑप्शन हमें दिए। आप इसमें अंदाजा भी लगा सकते हैं दोस्तों, डीआई के अंदर जितना जल्दी क्वेश्चन कर सके उतना जल्दी हमें करना चाहिए, पूरी कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, डीआई के अंदर ज्यादातर हम अंदाजे से करते हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर हम ये बात करें वायरल डिजीज की और लिवर डिजीज की बात करें, तो इन दोनों के अंदर ये देखिए यहाँ पे कितने हैं, 10 है, 5 है, 15, सॉरी 5 है, फिर 15 है। इसका कंपेयर टू इस कंपेयर इसके कंपैरिजन में देखिए तो इसके मरीज ज्यादा है ना, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब आगे हम बात करते हैं इसकी और इसकी, इन दोनों की हम बात करते हैं। इन दोनों के अंदर देखिए इसके अंदर फिर है 15 है, 5 है, 15 है, 5 है, और इसके देखिए 30 है, 15 है, 35 है, 10 है, ये ज्यादा ही लग रहे हैं ना, तो ये हमारा फिर इसमें राइट कर देते हैं हम, और ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा ये किडनी वाला, ये भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बच गए, दो ही ऑप्शन बच गए ना हमारे पास, वायरल डिजीज और हार्ट डिजीज, ये दो ऑप्शन हमारे पास बच गए। इनमें देखते हैं कि किसमें ज्यादा मरीज है। अब देखिए अब आप चाहे तो इसको काउंट कर सकते हैं, जल्दी से इनका टोटल कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास 15 और 35 कितना हो जाएगा, हमारे पास 50 हो जाएगा, 50 और 10 कितना हो गया, 80 हो गया, और 80 और 10 कितना हो गया, हमारे पास 90 हो गया। ये आप ध्यान रखना दोस्तों, आगे भी हमारी जरूरत पड़ेगी इनकी, 90 हो गया। और हार्ट डिजीज के कितने हमारे पास, हार्ट के देखिए ये कितने हो गए, 30 जमा में 10 कितने हो गए, 40 जमा में 10 कितने हो गए, 50, 50 और 35 कितने हो गए, 85 हो गए, 85 हो गए। तो सबसे ज्यादा मरीज हमारे किसमें है, किसमें है, हमारे वायरल डिजीज के अंदर है। ठीक है, आगे बात समझ में, देखिए कितना इजी है, बहुत ही इजी है ना, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आपको डीआई से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप, कोशिश करके देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, समझे जी। वेरी गुड, शाबाश। और ऐसे ही आपको करने हैं दोस्तों सभी दोस्त क्वेश्चन, आगे मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और इसका आंसर आप देख सकते हैं वायरल डिजीज है इसका आंसर, बिल्कुल इजीली आप इसको कर सकते हैं जी। अब सभी ने वो ले लिया ना, कॉपी पेन ले लिया ना, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना तुम, ठीक है, पिटाई कर देंगे आपकी अगर नहीं किया तो आपने क्वेश्चन जी। चलिए क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू को मैं आपको समझाता हूँ और आपको फिर इसका आंसर देना है, चाहे तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड बेड, यानी कि ऐसे कितने प्रतिशत बेड है जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, जो खाली पड़े हुए हैं वो हमें बताना है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है ना ये, देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, टोटल बेड माइनस में जो भरे हुए बेड है वो माइनस कर देंगे, ठीक है, फिर हम निकालेंगे। देखिए इसका वैकेंट बेड हो गया हमारा जो खाली बेड है, बटे में टोटल बेड, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। और इसका मैं आपको फॉर्मूला और तरीका मैं बता देता हूँ, देखिए तरीका क्या है, ए हॉस्पिटल के अंदर टोटल बेड कितने हमारे, कितने हैं, 100 है, और टोटल जो भरे हुए बेड कितने हैं वो हम देख लेते हैं, 30 है, 35 है, 15 है, 10 है, इन दोनों का प्लस करते हैं कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। टोटल ये कितने हैं, 90 लोग लोगों ने बेड ले रखा है, तो शेष कितने रह गए हमारे पास, 10 बेड खाली है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें करेंगे, टोटल बेड हमारे पास कितने हैं, 50 है, और भरे हुए कितने हैं, भरे हुए देख लेते हैं, 5 और 5 10, 10 और 10 कितने होंगे, 20, और 20 और 15 कितने होंगे, 35 हो गए। ठीक है, 35 बेड पे लोग हैं, और टोटल बेड कितने हैं हॉस्पिटल बी में, कितने, 50 है, 50 में से 35 गए, कितने रह गए हमारे पास, 15 रह गए। इस तरीके से आपको ये सी निकालना है और फिर डी निकालना है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो ये हमारा क्या है, टोटल है, टोटल में से जो भरे हुए बेड है, जो भरे हुए को बी लिख लेते हैं, टोटल माइनस में जो भरे हुए बेड है वो माइनस करेंगे, और फिर क्या आ जाए, वैकेंट आ जाए हमारे पास, यानी कि शेष बेड रह जाएगा, शेष बेड वैकेंट बेड बटे में टोटल बेड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बिल्कुल इजी है ये, तो आप सभी दोस्त जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अपना आंसर लिखिए, आप टाइम भी ले सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, कोई बात नहीं, और जिसने ये आंसर नहीं किया उसको घूसे लगेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी यार जल्दी इसका आंसर दीजिए, और मैं इंतजार कर रहा हूँ सभी के कमेंट का, और आप वीडियो को रोक सकते हैं, कुछ भी इसको कर सकते हैं, और तब तक आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको, आप वीडियो रोक लेना भाई अगर चाहे तो। ठीक है, मैं आपको अभी इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, किस तरह से आपको ये करना है, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर 3 है,
16.66 इसका आंसर है। ये कैसे आया, ये देखिए, हॉस्पिटल ए में टोटल बेड कितने हैं, 100 है, और भरे हुए कितने हैं, 90 है, शेष कितने रह गए हमारे पास, 10। वही चीज तो है यार जो मैं करवाता हुआ आ रहा हूँ आपको। और बी में कितने हैं, बी में 50 है और भरे हुए कितने हैं, 35 है, शेष कितने रह गए हमारे पास, 15। इसी तरीके से सी में निकालेंगे, डी में निकालेंगे, 15 आ गया, 10 आ गया, इन सभी को हम टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल टोटल वैकेंट बेड कितने हमारे पास, 50 है, और टोटल बेड कितने हमारे पास, टोटल बेड है हमारे पास 300 है। तो 50/300 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 100, प्रतिशत निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 3 से जब 50 को कट करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16.66 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। और हमें परसेंटेज कितने निकालने, किसके कंपेयर में परसेंटेज निकालने, किस तरह से निकालने, एवरेज कैसे निकालने, मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, एडिंग कैसे करना, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको समझाई हुई है। आप हमारी वीडियो देखिए, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, एवरेज, परसेंटेज, रेशो, मल्टीप्लीकेशन और माइनस वगैरह जो भी है वो किस तरह से कर सकते हैं हम जल्दी से जल्दी, उसकी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिए, बिल्कुल ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। वेरी गुड, शाबाश जी, इसका आंसर आप देख सकते हैं, आंसर 3 है, 16.66 इसका आंसर है। दोस्तों अगर आपको यूजीसी नेट पेपर सेकंड सभी सब्जेक्ट के 2012 से लेके 2023 तक क्वेश्चन पेपर चाहिए विद ऑफिशियल आंसर की और आंसर टिक, तो आप हमारी वेबसाइट nimiji.net जरूर विजिट करना। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ स्टडी नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आपको स्टडी नोट्स भी चाहिए प्लस में लाइव मॉक टेस्ट भी लेने हैं, तो हमारी वेबसाइट nimiji.net जरूर विजिट करना। थैंक यू दोस्तों। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं भाई, और आंसर कर रहे हो ना साथ के साथ है, कुटाई कर दूंगा मैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो कूट दूंगा मैं आपको, देख लेना फिर। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लीवर डिजीज पेशेंट एडमिटेड इन ऑल द हॉस्पिटल। लीवर डिजीज जो सभी हॉस्पिटल के अंदर, लीवर डिजीज क्या है हमारे, ये है सभी हॉस्पिटल, ये हो गए, इनका ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाए 5 और 5, 10, और 10 कितना हो जाए, 20, और 15 कितना हो जाए, 35 हो जाए हमारा, 35 हो गया, ये क्या हो गया, लीवर डिजीज के हो गए। अब आगे हमें क्या करना है, फ्रॉम द टोटल पेशेंट एडमिटेड परसेंटेज निकालना है लीवर डिजीज का, और टोटल जो पेशेंट है उनके कंपेयर में हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि लीवर के मरीज वो कितने हैं, वो हमें बताने हैं। अब टोटल ये तो देखिए, ये हमने कर लिया लीवर का, कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम किडनी के मरीज निकालेंगे टोटल कितने हैं, फिर हार्ट के निकालेंगे, फिर वायरल डिजीज के निकालेंगे, इन सभी का टोटल करेंगे, और फिर जो लीवर वाले हैं, ठीक है, लीवर वाले डिवाइड बाई टोटल और मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, 100 होगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए, क्या कर रहे हैं यार आप बैठे, यार इतना इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, फिर भी नहीं कर पा रहे। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, कुटाई हो जाएगी आपकी, समझ गए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिखिए, मैं देख रहा हूँ यार, देख रहा हूँ आप सभी दोस्तों के कमेंट बॉक्स का जवाब दूंगा मैं, और देख रहा हूँ कि किन दोस्तों को आया है हमारी वीडियोस देख के, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है आप दोस्तों के अंदर। अभी हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है एग्जाम, आई बात समझ में, अगर अभी आप सुस्ती करेंगे ना तो कैसे बात बनेगी यार, हमें जेआरएफ लेना भाई साहब, ओ मेरी बहन, जेआरएफ लेना है, प्लीज प्लीज मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो, अभी आप करके देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना भाई साहब, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जेआरएफ तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता आपका, प्रैक्टिस करना हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। वेरी गुड, कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, वाह क्या बात है यार, अब तो बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, शाबाश। चलिए चलिए भी करते रहना इसका आंसर, और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना, आई बात समझ में, कमेंट बॉक्स के अंदर। और अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आप आंसर भी लिख दीजिए, और मैं इसका क्या है, इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको जी। देखिए इसका सॉल्यूशन है हमारा यही है कि लीवर के जितने भी पेशेंट हैं, हमने 35 किए थे, 35 आप टोटल के लिए, हमने लीवर के कितने हैं हमारे पास, 35 है, और टोटल पेशेंट कितने हैं हमारे,
सभी हॉस्पिटल में सभी मरीज कितने, टोटल कितने हमारे पास, 90, 35, 85 और 40, इन सभी को ऐड कीजिए, कितना आ गया हमारा, 250 आ गया। ठीक है, तो 35 बटे में 250 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आंसर आ जाएगा, 14% हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो देखिए कितना इजी है यार। अच्छा, आपने 14 ही आंसर दिया था। यही निकाला था आपने। अरे वाह यार, वेरी गुड, आप तो बड़े जीनियस है भाई। वाह, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। आपका जीआरएफ जरूर होगा, देख लेना आप। ठीक है, क्या मेरे मुंह में घी शक्कर, वाह वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देखिए, व्हाट इज द रेशो ऑफ पेशेंट एडमिटेड फॉर वायरल डिजीज टू किडनी डिजीज, यानी कि वायरल डिजीज के मरीज जो है उनका रेशो निकालना है किडनी डिजीज के साथ में। अब देखिए वायरल डिजीज, अब देखिए चुटकी चुटकियों में कैसे करते हैं। वायरल डिजीज ये है हमारी, वायरल डिजीज इसके हमारे पेशेंट कितने, हमने कितने किए थे, 90 किए थे, अगर आपको याद हो तो। इन सभी का टोटल कितना है, 90 है। आगे हम बात करते हैं किडनी की, बात करते हैं तो किडनी के हमारे पास मरीज कितने हैं। किडनी के देखिए 15 जमा में 15 कितना हो गया, 30, और 10 कितना हो गया हमारे पास, 40 हो गया, ये कितना हो गया, 40। इन दोनों का हमें रेशो निकालना है, तो 90 बटे में 40 कर दीजिए, 0 से 0 कट गई, 9:4 हमारा आंसर आ जाएगा। 9:4 किसके अंदर है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, ये रहा ऑप्शन नंबर ए के अंदर, 9:4। ठीक है यहाँ पे, अरे अरे यार, हमने तो ये बातें बातों में कर दिया। हे भगवान, ये तो आपसे करवाना था यार, आप कॉपी पेन लेके क्यों बैठे हैं। गलती होगी है ना, बातों में पता ही नहीं चला यार कब कर दिया। अरे यही तो खास बात है ना, यही तो खास बात है डीआई की। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करने लग जाते हैं ना, तो चुटकी चुटकियों में आंसर आपका हो जाता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। आप हमारी वीडियोस देखिए, उसमें बहुत मजा आएगा किस तरह से आपको क्वेश्चन करना। और अगर आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है ना जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो हमें बताइए ना, हमें बताइए, हम आपको सोल्यूशन देंगे, करके दिखाएंगे आपको किस तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपने हमारी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है? अरे आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, निमिज नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे 2012 से लेके 2020 तक के। हाँ 2020 के अभी जो क्वेश्चन पेपर हुए वो भी आपको मिलेंगे भाई साहब, जल्दी से आप डाउनलोड कीजिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिलेंगे। प्लस में आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज अलग अलग मिलेंगे, जैसे कि आज तक रिसर्च के जो क्वेश्चन है वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज यूनिट वाइज अलग अलग मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स भी मिलने वाले हैं, तो जल्दी कीजिए ना यार, डाउनलोड कीजिए अभी से निमिज नेट ऐप। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड, शाबाश। और अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगले क्वेश्चन में मैं ध्यान रखूंगा, चुटकियों में आपको बताऊंगा नहीं हूँ, सियाना हो गया हूँ मैं अब की बार। ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और ये आपको करना है। ठीक है, आपको करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दीजिए, आपके जवाब का इंतजार है, हमें बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का। ठीक है जी, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया, आंसर नहीं दिखाऊंगा, आंसर नहीं बताऊंगा आपकी बार। हाँ सियाना हो गया मैं। व्हाट इज द रेशो ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल ए टू हॉस्पिटल बी, यानी कि हॉस्पिटल ए में कितने मरीज है उसका रेशो निकालना है हमें, हॉस्पिटल बी में जो मरीज है इन दोनों का हमें रेशो निकालना है। कितना इजी है यार, देखिए इसको कैसे करेंगे हम, इन सभी को ऐड कीजिए। ठीक है, इन सभी को ऐड कीजिए और इन सभी को ऐड कीजिए और इनका रेशो निकाल लीजिए। टोटल कितने हैं, टोटल ए के जितने भी टोटल है वो डिवाइड बाय टोटल ऑफ बी, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, और देखिए 30, ये देखिए इसको ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने का यार कितना इजी है, 30 जमा में 35 जमा में 15 क्या हो गया हमारे पास, 50 हो गया, 50 जमा में 30 कितना हो गया, 80, 80 जमा में 10 कितना हो गया, 90 हो गया, ये हो गया हमारा 90। और आगे क्या हो गया, 15 जमा में 10, ओ और अरे अरे क्या क्या कर रहा हूँ यार, मैं तो पूरा ही करवा रहा हूँ आपको। ओ बच गया बच गया बच गया जी, मैं नहीं करवाने वाला जी, आप कीजिए इस क्वेश्चन को, मैं देखना चाह रहा हूँ यार आप भी कुछ हाथ पैर हिला रहे या नहीं हिला रहे, जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अपना जवाब दीजिए। मैं देख रहा हूँ कौन एक्टिव है, कौन मेहनत कर रहा है, किसका कितना बड़ा डिजायर है अपने जीआरएफ को लेके। ठीक
ठीक है, जो दोस्त इस क्वेश्चन को करेगा वो अपने जेआरएफ के नजदीक जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ। वेरी इजी, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की है। और भी 2020 शिफ्ट के और भी मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको जो भी क्वेश्चन करवाने हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। हाँ, और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल लिमिजी नेट प्रो को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। इतना बढ़िया बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं आपको, फ्री में दे रहे हैं, तो इतना तो बनता ही है ना, फ्री में यार, कोई पैसे नहीं ले रहे, फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या करना है, घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। और लास्ट में जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए अभी के अभी, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग, मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।